गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको क्षितिज का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक सर्वोदय दयाल सक्सेना जी हैं। अभी तक आपको मैंने बताया था कि बेल्जियम में जमे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत में आए थे जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत में आने के बाद से मृत्यु तक का इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाया रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत से नहीं। लेखक फादर के निर्धन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं, जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसी जहर का विधान क्यों किया? इतनी भयानक मृत्यु उसे क्यों दी? फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए थी। जहरवाद कहते हैं एक तरह से फोड़े के कारण हुई थी और उसमें उन्होंने बहुत ही अधिक दुख झेला था। जिसने इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु ने अपनी प्रिय जन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? लेखक आज भी फादर के स्नेह में ही बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरे के पहले मैं आपको शब्द बता दूं, संकल्प निश्चय, आगे है आवेश उत्साह, लबालब ऊपर तक भरा हुआ, छलकना उमगना, अभिन्न मित्र घनिष्ठ मित्र, लगाओ अधिक प्रेम, हाथ से जाना वश में ना होना, धर्म गुरु धार्मिक उपदेश देने वाला पादरी, और परमिल है साहित्य संस्था का नाम। इस बारे में यही शब्द मेन है कि परमिल एक साहित्य संस्था का नाम है जिसके बारे में इसमें बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक कहते हैं, जब मैं फादर को याद करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक उदास और शांत संगीत सुन रहा हूँ। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनको देखने की तुलना किया जैसे मैं करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहा हूँ, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरा हुआ है, कर्मों के संकल्प से भरा हुआ है। मुझे परमिल का पहला बताया है कि साहित्य संस्था का नाम है, क्या है कि वह दिन याद हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बन जाते थे। हम सब एक परिवार के रिश्ते में बंधे होते थे जिसमें बड़े फादर बुलके थे। उनमें फादर हमसे सबसे बूढ़े बड़े थे। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते, हंसी मजाक में वो हमारे साथ रहते थे। पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे, वो हमारे परिवार के रिश्तों में इस प्रकार बंधे हुए थे जैसे हमारे परिवार का ही सदस्य हो। जिसमें फादर सबसे बड़े थे। हमारी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते थे। जो हमारी गोष्ठियाँ, सभाएं, हमारे घर के कोई भी कार्यक्रम होते थे उसमें वो गंभीर रूप से बहस करते थे और हमारी रचनाओं पर और सुझाव देते थे और हमारी रचनाओं पर हमेशा अच्छे अच्छे सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्साह, हमारे घर में कोई भी त्यौहार मनाया जाता था और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे। हमारे घर के अंदर यदि कोई भी त्यौहार मनाया जाता था, कोई भी संस्कार होता था, कोई भी अच्छे कार्य होते थे, तो उसमें वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े रहते थे और सबको आशीर्वाद दिया करते थे। मुझे अपने बच्चा, जब मेरा बच्चा हुआ, लेखक कहते हैं, और फादर हम हिंदू धर्म में होता है जब किसी का बच्चा होता है तो उसे अन्न चखाया जाता है, तो फादर बुल्के ने उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। फादर बुल्के ने उसे पहली बार अन्न खिलाया था, वह मुझे अभी तक याद आता है। और नीली आँखों की चमक, फादर बुल्के की नीली आँखें थी जो चमकती रहती थी और उसमें बच्चों के लिए जो प्रेम था जैसे किसी ऊँचाई पर देवदारू की छाया
छाया में खड़ा हूँ। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर पाया जाता है और वह सबको छाया देता है, उसी प्रकार फादर बुल्के की तुलना यहाँ देवदार के वृक्ष से की गई है। वे देवदार की छाया की तरह आज भी मेरे ऊपर हैं। लेखक कहते हैं वह देवदार की छाया की तरह आज भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेखक उनका अपनापन आज तक नहीं भूला था। लेखक कह रहे हैं उनके अपनेपन को मैं अभी तक का नहीं भूल पा रहा हूँ। पहला इसका क्वेश्चन है, परमिल क्या है, उसमें फादर अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते हैं। परमिल इलाहाबाद का एक साहित्य संस्था थी। इस संस्था से फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े हुए थे। वह यहाँ एकत्र जमा होते थे। फादर परमिल की गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। परमिल एक संस्था थी जिससे फादर बुल्के जुड़े हुए थे। वह उस संस्था में आते थे और जब इस संस्था की गोष्ठियाँ सभा होती थी उसमें फादर बुल्के गंभीर रूप से बहस किया करते थे। वह अन्य रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते हुए और अन्य रचनाकार जो अपनी रचनाएं लिख के आते थे उन पर बहस करते हुए और अपना उनकी राय लेते हुए अपने उन्हें सुझाव दिया करते थे कि इस रचना में इस तरह की रचना करो और उन्हें अच्छे अच्छे सुझाव दिया करते थे। लेखक को फादर बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते थे। फादर परमिल से जुड़े साहित्यकारों के साथ पारिवारिक रिश्ते रखते थे। जो इसके परमिल की संस्था थी इसके साथ जो साहित्यकार जुड़े थे लेखक उनके साथ अपने परिवार की तरह रिश्ता रखते थे। वे इन सदस्यों के पारिवारिक उत्साह और संस्कारों में शामिल होते थे। इनके घर में कोई भी उत्साह मनाया जाता था, कोई भी कार्य होता था, लेखक वहाँ शामिल होते थे और बड़े भाई या पुरोहित के समान ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। इसलिए फादर लेखक को बड़े भाई या पुरोहित के समान लगते थे। आश्रय स्पष्ट करिए, फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। आश्रय है इसका इस प्रकार है, जिस प्रकार उदास संगीत सुनकर हमें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। जब हम उदास संगीत सुनते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। उसी प्रकार फादर को याद करने से मन शांति के सागर में डूब जाता है। चौथा क्वेश्चन, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर बुल्के साहित्य संस्था परिमिल के सभी सदस्यों में सबसे बड़े तथा आदरणीय थे। इसका दूसरा पॉइंट है, वे मानवीय गुणों से लबालब थे, उनके हृदय में सबके लिए कल्याण की कल्पना थी। तीसरा, वे पुरोहितों की तरह आशीर्वादों से लोगों को लबालब कर देते थे। चौथा, उनकी नीली आंखों में सदा प्रेम दिखाई देता था। यह क्या है, फादर बुल्के की देवदार की छाया जैसे इसीलिए लगते थे। यह पहरा यहाँ पे पूरा हो गया है, कल मैं इसके आगे का पहरा आपको बढ़ाऊँगी। तब तक मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूँ इसे कि टेक्स्ट में आपके नेताजी का चश्मा, बाल गोविंदम भगत, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह चार लेसन ही हैं इसमें। पोयम का मैं कल बताऊंगी, आज तक का इतना ही हो गया आपका।